नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीब्रत दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने कहा है कि हिंदू एक धोखा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि दो बार कह चुके हैं हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। पीएम भी कह चुके हैं कि कोई हिंदू धर्म नहीं है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं तो अशांति फैल जाती है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एक धोखा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर उन पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दो बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम भी कह चुके हैं कोई हिंदू धर्म नहीं है। अजहर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं, लगातार वो हिंदू धर्म को लेकर टारगेट करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से वो विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म पे एक बार फिर से निशाना साधा है, उन्होंने बयान में अपने साफ तौर से कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस प्रमुख जब ये बात कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक जीने का तरीका है। और इसी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। देखिए इस तरीके की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते वक्त की है। देखिए बीते दिनों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ब्राह्मण महापंचायत की जा रही थी और इस दौरान तमाम समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण वर्ग के जो नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये बात कही थी और ये मुद्दा भी उस जनसभा में उठा था कि हिंदू धर्म को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी या धार्मिक टिप्पणी ना की जाए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बात कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए था। देखिए तमाम तरीके से बातें, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की बात कहते हैं या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस तरीके की बात कहते हैं तो शांति भंग नहीं होती है, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बात कहते हैं तो अशांति फैलती है। देखिए इस तरीके का विवादित बयान जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीते दिनों नाराजगी जताई थी कि पार्टी का कोई भी नेता ना धार्मिक टिप्पणी करे, ना किसी विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी करे, ना किसी धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी करे। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने 24 घंटे बीते नहीं और इस तरीके का बयान जो है वो दे दिया। देखिए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादों के घेरे में रहते हैं। देखिए जिस तरीके से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब प्रबुद्ध वर्ग को भी साधने में जुटी हुई है, जिसको लेकर बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण
ब्राह्मण महासम्मेलन किया था, तमाम नेता उसमें शामिल हुए थे जिसमें इस तरीके की बात कही जाती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बावजूद इसके बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार वो ब्राह्मण वर्ग को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते नजर आते हैं। देखो फिलहाल अखिलेश यादव इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर नाराज हैं, और जिस तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी सपा कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम जरूर रख रही है, तमाम जातियों को तमाम लोगों को साथ लेने की चलने की बात कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। देखिए 2024 का चुनाव है, बड़ी लड़ाई है, सामने भारतीय जनता पार्टी है, और ऐसे में इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं तोड़ पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग जो है और कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है वो इससे जरूर नाराज होगा। जी देखिए अगर बात की जाए तो लगातार वो हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हैं, इससे पहले भी उनके कई इस तरीके के बयान जो हैं वो सुर्खियों में आए थे, उन्होंने रामायण को लेकर बयान दिया था, गीता को लेकर बयान दिया था, और उसको लेकर कई बार FIR भी दर्ज की गई। और अब सामने अखिलेश यादव की बात करें तो उनके सामने 2024 के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने महाब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इस तरीके की बात सामने आई, कैसे इस तरीके से जो यूपी में 12-13% ब्राह्मण वोट है या जो हिंदू वोट है 80% जिस तरीके से कहा जा रहा है उसको कैसे साधेंगे अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से ही बयान देते रहे। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों के घेरे में रहते हैं, चाहे प्रबुद्ध वर्ग की बात की जाए, ब्राह्मण वर्ग की बात की जाए या धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए, तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी करते नजर आते हैं, रामचरितमानस हो, गीता हो या तमाम ग्रंथ, देखिए इस तरीके की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग को साधने में जुटी हुई है, और ऐसे में इस तरीके का बयान आ जाना ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को नाराज करने वाली बात है। अब इसको लेकर देखिए किस तरीके से वो उनको मनाएंगे। देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते नजर आते हैं उसको लेकर देखिए 80% वोट, जिस तरीके से बात आपने कही कि 80% वोट बैंक जो हिंदू समाज का है, अब देखना ये होगा कि आखिर उनको किस तरीके से वो साधेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात उन्होंने कही है एक पूरे धर्म को उन्होंने झूठा बताया है अपने बयान में, तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जरूर नाराज होंगे, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने नाराजगी जताई थी और इस बात की चेतावनी दी थी अपने तमाम नेताओं को कि कोई भी हमारी पार्टी का नेता धर्म को लेकर, जाति को लेकर, समुदाय को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करे, उन्होंने पूरी तरीके से सचेत किया था। लेकिन बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान दिया है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं, और एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे एक बार फिर से हिंदू धर्म पर हमला बोला गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।